हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में साइक्लोपाम सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। साइक्लोपाम सिरप का मेनली यूज पेट से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या उपयोग है, इस सिरप का सही डोज कितना है, इस सिरप के क्या क्या साइड इफेक्ट है, इस सिरप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इंडिगो रेमेडीज कंपनी का ये सिरप आपको 30 ml के पैकिंग में ₹50 में किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। साइक्लोपाम सिरप में डाइक्लोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड IP 10 mg, सिमिथिसोन UPS 14 mg ये कंटेंट समाविष्ट है। डाइक्लोमाइन यह पेट और आंतों के मांसपेशियों को आराम देता है। यह मांसपेशियों के ऐंठन को बंद करता है। ऐसा करने से ऐंठन, दर्द और सूजन से राहत मिलती है। सिमिथिसोन यह पेट में मौजूद गैस को ख़त्म करता है और गैस के मार्ग को भी आसान बना देता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इसका उपयोग किन किन समस्याओं में किया जाता है। इसका उपयोग पेट दर्द, बुखार, पेट में गैस, कब्ज, इरिटेबल ब्राउन सिंड्रोमा। इरिटेबल ब्राउन सिंड्रोमा मतलब यह आमतौर पर ऐंठन, पेट दर्द, सूजन, गैस, दस्त, कब्ज का कारण बनता है। इसलिए इस समस्या में भी डॉक्टर इस सिरप का यूज़ करते हैं। बात करते हैं डोज की। आप अपनी समस्या बताकर इसका डोज अपने डॉक्टर से पूछ लें। आप इसे 2.5 से 3 ml तक दिन में 2 से 3 बार अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। साइड इफ़ेक्ट, अगर आपको इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको साइड इफेक्ट महसूस हो तब अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, मुंह सूखना, मुंह में छाले आने की समस्या होना, चक्कर आना, अपचन ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस सिरप को यूज करते समय सावधानियाँ। अगर इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी हो तो इस सिरप को यूज ना करें। अगर आप पहले से ही अन्य पेट दर्द की सिरप यूज कर रहे हो या पेट दर्द की कोई अन्य दवा यूज कर रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को ज़रूर दें। इस सिरप को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।